बिना चैलेंजेस यानी चुनौतियों का जीवन व्यक्ति के विकास या स्वयं की खोज को उतनी जगह नहीं देता है। लेकिन क्या होगा अगर कसौटियों को ही हम अपॉर्चुनिटी मान लें तो? स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। जीवन में कई चैलेंजेस, कई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं। परीक्षाएं उन चुनौतियों और अवसरों में से एक है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है, उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। मोदी जी बहुत अच्छे से ये समझाते हैं कि जीवन की कसौटी पर खुद को कैसे कसा जाए, परखा जाए। आइए सुने। जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। सचमुच कितने सुंदर विचार हैं। परीक्षा अपने अंतर्मन में गोता लगा अपनी छुपी हुई प्रतिभा को व्यक्त करने का एक सुंदर चैलेंज है, बेहतरीन अवसर है। जीवन में अपनी पूरी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को हासिल करने का रास्ता भी चैलेंजेस से होकर गुजरता है। लेकिन कोई कैसे पहचाने कि उसकी योग्यता कहाँ है, कैसे पता करें कि उसका एप्टीट्यूड किस चीज में है? मोदी जी इसका एक तरीका बताते हैं, कम्फर्ट जोन से निकल कर चैलेंज मोड में आना। सवाल बड़ा गंभीर सा है आपका, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खुद को जानना। मुझे एक पुरानी घटना याद है, एक बार एक लायंस क्लब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था, ये करीब 40 साल पुरानी घटना होगी, और उन्होंने फिर चिट्ठियाई जैसा उनका रहता है कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उस कार्यक्रम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनको भी चिट्ठी गई कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उन्होंने कोई 10 पेज का अपना बायोडाटा भेजा था, उन्होंने कब काम किया। मुझे आया तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा था कि आपने मेरे विषय में जानने के लिए कहा है, मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। और वहाँ मज़ा ये हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि भी उसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था, कम आनंद आया वो काम कौन सा था, अच्छा यार बेकार में मैं क्यों ये करने चला गया। आप अगर साल भर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूँ और इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा अपने आप में, अब जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का अवसर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं।
अब संभावना है कि आज के बाद उनमें से किसी को विचार आएगा ये काम मैं कर सकता हूं। टीचर उनके होंगे, उनको भी लगेगा अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा इनको खड़ा करेंगे। मतलब एक अवसर मिला, उसने अपने आप को तैयार किया, अब उसका आत्मविश्वास बन जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। होगा कि नहीं होगा? ये कार्यक्रम के पहले शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद जरूर सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं। हो सकता है कि इसी को अपना प्रोफेशन बनाना तय करे, तो आप देखेंगे वो 500 चीजें पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीजों की नोट बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, इस फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए। ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब उसने अपने सामर्थ्य को जाना कि नहीं जाना? आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते होंगे जब आपको कभी न कभी मौका मिला होगा। अगर आपके उसमें सफलता का आपको फीलिंग आता है कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन में नहीं आता। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। चैलेंजेस हमें हमारी सीमाओं, हमारी वास्तविक क्षमता, हमारी छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद करते हैं। देखिए, कसौटी बुरी नहीं होती, एग्जाम बुरी नहीं होती, हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, हम किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है। लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम अब मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए जाना है, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटर स्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है, और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होगा भाई? उसको हर पल कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को, कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा। और जब चुनौती होती है तो एक ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर, इतने जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज ना निकले, इतनी बड़ी आवाज निकलती है आपकी। भले एक पल के लिए निकलेगी, लेकिन ऊर्जा अंदर पड़ी हुई है। एक समय था, अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बाहर आई। आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है, आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस कसौटी के समय मेरी वो कौन सी क्षमता थी उभर करके आई है। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा ऐसी चीजें आपके मन में से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ है, लेकिन उस सामर्थ्यों को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आपको अवसर देती है आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए। मोदी जी का कहना है कि हम सभी के भीतर छिपी ऊर्जा है और चैलेंजेस उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं। बस आपको चाहिए कि कसौटी को कोसने के बजाय उसे आपको कसने का मौका दें। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, उनका सामना करें।